सीरियल उड़ान में एक के बाद एक ट्विस्ट एंड टर्न्स आते ही जा रहे हैं। अब देखिए ना, चकोर को जान से मारने के लिए कमल नारायण ने आज बनाया है पाखी को निशाना। ये तेरे को ठगा क्या बिगाड़ी? अरे नाना, जिसे तो हमने चारा बनाया है। दरअसल कमल नारायण को ये अच्छे से पता था कि पाखी को किडनैप कर लिया तो चकोर पाखी को ढूंढते ढूंढते खुद ही कमल नारायण के जाल में फंस जाएगी। और कमल नारायण ने जो सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। अब जब चकोर आ ही गई है कब्जे में तो कमल नारायण कहाँ चुप बैठने वाले हैं। लेकिन चकोर तो है झांसी की रानी, वो भी कहाँ डरने वाली थी। ऐसा नहीं कर सकते कमल नारायण, अगर सूरज को पता चल गया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। उसे सूरज की थपली जरा बंद कर देते हैं। आइए अब चकोर से ही जानते हैं इस सीन के बारे में। ये सीन बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और बहुत चीज़ें इससे बदलने वाली है, बहुत चीज़ें होने वाली है इस सीन में। तो मैं इसके बारे में आपको कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगी, बस इतना कहूंगी कि टॉर्चर है, थ्रिल है, ड्रामा है और सस्पेंस है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी। ये देखिए, चकोर ने दी कमल नारायण को खुली चुनौती। सूरज! कमल नारायण, आप जिस तरह से चकोर को टॉर्चर कर रहे हैं, आपको सूरज का बिल्कुल भी डर नहीं है क्या? अभी अभी फिलहाल तो सूरज यहाँ नहीं आएगा। सूरज को पता ही नहीं है कि कमल नारायण राजवंशी कहाँ है, क्योंकि वो बनारस गया हुआ है किसी काम से। तभी तो वो लिबर्टी ली है कमल नारायण राजवंशी ने। एक ही इंसान है जिससे कमल नारायण राजवंशी डरता है, वो है सूरज। ओह, तो सूरज बनारस में है। तभी तो कमल नारायण ने सूरज की गैर मौजूदगी का जमकर फायदा उठा लिया है। लेकिन कमल नारायण जी, आपकी ये आजादी भी बस कुछ ही दिन की है, क्योंकि जब सूरज आएगा और चकोर जब उसे आपकी असलियत बताएगी तो सूरज आपको बख्शेगा नहीं। नवीन सिंह भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट E24।